डेबिट और क्रेडिट नहीं करना, देन हाउ द केस इज टू बी डेल्ट विद। एडमिशन में एक ही इलस्ट्रेशन इस तरह की है जहां पे हम लोग नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैलकुलेट किया करते थे। सो सेम आई विल बी डूइंग हियर। सोच समझ के मेरे को बताना कौन सी दो ट्रांजेक्शंस पार्टनर्स को प्रॉफिट देती है, मतलब एसेट का बढ़ना के कम होना, लायबिलिटी का बढ़ना के कम होना, जो पार्टनर को प्रॉफिट देता है। ओके, लायबिलिटी का कम होना, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन एसेट इज द प्रॉफिट फॉर द पार्टनर्स, सो दैट आर टू बी एडेड। नेट इफेक्ट ऐसे कैलकुलेट करना, जो चीज पार्टनर को क्या दे रही है, प्रॉफिट दे रही है, मीन्स जो पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट हो रहा था वो पॉजिटिव है। इन दोनों का रिवर्स बोलो, लायबिलिटी का बढ़ना लॉस है, एसेट का कम होना भी लॉस है, सो दैट आर टू बी डिडक्टेड, ये माइनस करना, राइट? तो चारों आइटम्स का यू विल बी कैलकुलेटिंग नेट इफेक्ट एंड दैट नेट इफेक्ट यू विल बी राइटिंग एंड फॉर दैट पर्पस अगेन यू विल बी ट्रीटिंग इट लाइक गुडविल। यू विल बी कैलकुलेटिंग गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और एंट्री में जितना भी नेट इफेक्ट आया उसको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करो, और एंट्री में गेनिंग पार्टनर को डेबिट करो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करो, इट इज सेम एज ऑफ गुडविल। लेकिन यू नो गुडविल की वैल्यू क्वेश्चन में दी होती थी, लेकिन रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आपने खुद कैलकुलेट करना है, और जो भी ये प्लस माइनस करोगे इसके ऊपर हेडिंग लिखोगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। और ये कब करना है, जब वो क्वेश्चन में कहता है द एसेट्स एंड द लायबिलिटीज आर टू बी शोन एट बुक वैल्यू, या फिर वो कहता है बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज नॉट टू बी चेंज्ड, मींस हम लोगों ने एसेट्स और लायबिलिटीज को एज इट इज बैलेंस शीट में रखना है। We will not be debiting any asset, we will not be crediting any asset, same. We will not be debiting any liability and we will not be debiting crediting any liability. Then how the revaluation effect is to be shown? For that purpose, we will be calculating net effect of revaluation. Yaad rahega positive kya kya hai? Jo fayde hai partner ke liye. Aur partner ke liye fayde kis cheez ke hai? Asset ki padi padi value ka badh jana, liability ki value ka kam ho jana, dono ka reverse partners ke liye nuksan hai. लाइबिलिटीज का बढ़ जाना और एसेट का कम हो जाना, मैक्सिमम चार आइटम्स ही आनी है। गॉट इट? चलो जी इलस्ट्रेशन देखें इससे रिलेटेड, कम एट इलस्ट्रेशन, लास्ट इलस्ट्रेशन ही होंगी, एंड रीड द वर्डिंग। ओके, इट्स नॉट 14th, इट्स 15th, यस, रीड 15th इलस्ट्रेशन एंड पेज नंबर इज 4.24, फिर बैक एक्सरसाइज देखेंगे कोई क्वेश्चन। रीड 15th इलस्ट्रेशन and thereby I will be calculating net effect, और जब कभी भी net effect की जरूरत पड़ती है I need what? Gaining and sacrificing ratio as well. I will be calculating firstly gaining and sacrificing with the help of old and new ratio. So let's go with that. 15th illustration, read it. A, B and C are partners. This is A. Is to B, is to C, their profit sharing ratio is this. Now they decided to shift on this line. देखो कहां से मेरे को पता चला कि मेरे को gaining और sacrificing से करना है equation. He says they also decide to record the effect of the following revaluations without affecting the book value of assets or liabilities. Line is clear? कहता जैसे ही partners ने अपनी ratio को change करने के बारे में सोचा, with effect from 1st April, they decided कि हमने book values of assets and liabilities नहीं change करनी, then I will be calculating net effect of revaluation. और हमसे पूछा क्या? He is not asking past the entries, he is asking past the adjustment single entry, मतलब एक entry pass करो. And once he will be asking from me past and single entry, in that case I will be calculating the net effect of my revaluation, right? So I will be making the heading here. नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखता नहीं, नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, अंडरलाइन इट। एसेट का बढ़ना पॉजिटिव है कि नेगेटिव? एसेट का बढ़ना पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। लायबिलिटी का बढ़ना पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सो इट्स विंटर सीजन, यू आर कीपिंग योर हैंड इन योर बैग टू गेट वार्म, मोबाइल कहाँ है? इन द बैग, है ना? डेली यू डू लाइक दिस। चलिए जी, टेनेंट बिल्डिंग, बुक वैल्यू थी 5 लाख, बढ़ के 5.5 लाख हो गई, क्या लिखूं? इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग, पॉजिटिव? पॉजिटिव वाले पहले लिखना, नेगेटिव वाले बाद में लिखना, ठीक है? इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, फॉर योर रेफरेंस आई विल बी राइटिंग विद इट पॉजिटिव साइन, ठीक है?
आगे चलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी कम हो गई, एसिड का पड़े पड़े कम हो जाना, मेरे ये नुकसान है कि फायदा है? नुकसान. सो आई विल बी राइटिंग इन द सेकंड स्लैब, सेकंड स्लॉट में लिखूंगी, क्या लिखूंगी? डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10,000. दोनों का डिफरेंस ले रही हूं भाई, वन इज बुक वैल्यू कॉलम एंड अदर इज रिवाइज्ड वैल्यू. रिवाइज मतलब रीवैल्यू, इतने पे रीवैल्यू हुआ है, तो यू विल बी टेकिंग द डिफरेंस ऑफ बोथ. डिक्रीज इन, हाँ, दिस इज प्लांट एंड मशीनरी माइनस 10,000 आई रोट हियर. गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट, लाइबिलिटी का कम होना नुकसान है क्या फायदा? लाइबिलिटी का कम होना नुकसान है क्या फायदा? फायदा, फायदे ऊपर लिख रही हूं. डिक्रीज इन क्रेडिटर्स कितने से? 5,000. ओके, दिस इज टू बी रिटर्न एज पॉजिटिव, डिजिट के नीचे डिजिट, दोनों को ऐड किया 55,000 बना. नेगेटिव वाली एक फिगर रहती होगी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज माई लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बढ़ना नुकसान है मेरे लिए. इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000. इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नेगेटिव 15,000. सो आउट ऑफ 55,000 आई विल बी डिडक्टिंग 25,000. आई एम गेटिंग द नेट 30,000. क्वेश्चन अभी खत्म कहाँ हुआ है? ये तो मैंने एक स्टेप किया है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट. नाउ आई विल बी कैलकुलेटिंग देयर गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि सिंगल एंट्री पास करनी है. For that, my gaining partner will be debited in the entry and sacrificing partner will be credited in the entry. A is sacrifice. First row में से ना एक बच्चा कोई भी उठ जो, get separated. मैं नहीं चाहती कि मैम आके फिर कुछ कहे. Any one of you may come in the second row. That is 5/10 minus 2/10 B का neutral nil. 2/10 माइनस 5/10, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव. 30,000 का 3/10 करो 9,000, राइट? एंट्री करो फिर. हु इज गेनिंग? सी इज गेनिंग. सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए इज कैपिटल. जर्नल का छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे. सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ए इज कैपिटल अकाउंट दैट इज विद 9,000. नरेशन पढ़ो, बिकॉज ही मे पुट नरेशन इन द क्वेश्चन एंड ही मे आस्क फ्रॉम यू आइडेंटिफाई द एंट्री. उलट भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्टिव अगर नहीं आ रहे तो एमसीक्यू में, यू नो, एमसीक्यू की डिफरेंट कैटेगरीज हैं. वन विल बी द सिंपल एमसीक्यू, जहां पे आपके लिए आसानी रहेगी, बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा. और ऐसे एमसीक्यू सिर्फ 4-5 ही देखने को मिलेंगे. देन कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू होंगे, जहां पे आपको लगता होगा एक से ज्यादा राइट आंसर लग रहे. मीन्स दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन योर थिंकिंग. वी हैव टू चेक योर आईक्यू लेवल, वी हैव टू चेक कि आपने कितना डीपली स्टडी किया है. Then there will be certain matchings, pair, ठीक है, कौन सा करेक्ट है आपके अकॉर्डिंग. तो हर तरह की कैटेगरी आनी है, assertion reason भी आना है, case study भी आ सकती है. case study के ऊपर base question 4 भी हो सकते हैं. अगर मैं 2 case studies डालती हूँ तो 8 question होंगे, because from each case study we are supposed to ask 4th question. तो 40 marks लेना इतना आसान नहीं होगा. For that you should have, जैसे मैंने अभी बताया, he may give you the narration and he may ask identify the right entry. अब इसका नरेशन क्या होगा बोलो जी? प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ गेन ऑन रीवैल्यूएशन एडजस्टेड थ्रू अ सिंगल एंट्री. हम लिखेंगे बीइंग एन एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर द प्रोपोर्शनेट गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. ठीक है, तो लेट इट बी मोस्ट सिंपल. लेकिन बुक जो लिखती है दैट ऑल्सो यू हैव टू लर्न, बिकॉज द पेपर सेटर मे टेक एनी ऑफ द नरेशन फ्रॉम द बुक एंड ही मे आस्क यू टू आइडेंटिफाई द राइट एंट्री. गॉट इट? एनी डाउट टू एनीवन? कम एट द बैक एक्सरसाइज. इससे रिलेटेड पहले एक दो क्वेश्चन करते हैं. Where the book value of assets and liabilities are not to be changed. है कोई ऐसे कोई small question बनाया? देखो जरा, सारे lengthy question बनाए है ना. सारे entries हैं, कोई भी entry वाला नहीं है. चलो 21st question पूरा करते हैं. Let's do 21st question from the back exercise page number 4.43. Each and every point he is putting in this क्वेश्चन. तो देखते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन बोलता है कि नेट इफेक्ट बोलता है. लेट्स सी फॉर 21st क्वेश्चन एट पेज नंबर 4.43. एवरीबॉडी विल रीड, स्टार्ट रीडिंग इट. 21st क्वेश्चन टुडे एंड टुमारो वी विल जस्ट बीन कंटिन्यूइंग विद दिस चैप्टर. फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड एवरीबॉडी विल बी रेडी विद द थर्ड बुक दैट इज रेशियो एनालिसिस, राइट? So from Monday onward, I will be starting ratio analysis. Most probably Monday is a holiday.
So from Tuesday there will be start of ratio analysis, right? Chapter is easy, but that depends upon your learning capacity, because all the formulas you have to learn. And what will be my criteria, I will be telling you the logic for each and every ratio, how the ratio has been framed. You know, ratio ka matlab kuch numerator raha hoga, kuch denominator. ठीक है, तो हर फॉर्मूला में न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को एडजस्ट करके उसने फॉर्मूला बनाया होगा. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि उसके ऊपर प्रोजेक्ट भी बेस्ड है. और यू नो थर्ड बुक के ऊपर ही आपका प्रोजेक्ट है, और थर्ड बुक में ही जो जो आपका प्रैक्टिकल पेपर होना है अकाउंट्स का, 6-6 नंबर के जो दो क्वेश्चन आने हैं वो थर्ड बुक में से आने. वन क्वेश्चन विल बी फ्रॉम रेशियो एनालिसिस 6 मार्क्स, वो 3+3 भी हो सकता है, मतलब दो रेशियो वो पूछ सकता है कोई भी. और अनदर क्वेश्चन विल बी फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 नंबर का. कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा अगली टर्म का चैप्टर. सो फ्रॉम थर्ड बुक ओनली वन चैप्टर ऑफ रेशियो एनालिसिस, एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दैट बुक इज अ पार्ट ऑफ आवर फर्स्ट टर्म. आई विल ट्राई कि रेशियो एनालिसिस आपका इस पेपर से पहले हो जाए, राइट? 17-18 फॉर्मूलाज हैं दैट वी विल डू, 10-12 दिन लगेंगे. सो गेट रेडी फॉर दैट. Come at 21st question from the back exercise. Let's read. Who are the partners? How were they sharing the profit? This is Kareem, Rahman, and Nawal. Nawal, bol do. Chalo. This is what? Kareem, Rahman, Nawal. They are sharing as this. Then they decided. Equal ratio. कहीं पे goodwill है, बिल्कुल है. जैसे ही goodwill की बारी आती है, I need to calculate my sacrificing and gain, isn't it? मैंने पढ़ लिया 5th या 6th point में goodwill की valuation की बात है, तो मेरे को gaining और sacrificing निकालना मेरी duty है. So let's apply the formula of sacrificing. This is Kareem sacrifice. बोलो जी. 5/10 - 1/3. This is 30 LCM. 15 - 10. This is 5/30. So, इसको तो सेक्रीफाइस ही हो रहा है भाई, जब गुडविल की कैलकुलेशन का देखेंगे. रहमान सेक्रीफाइस, साथ साथ करो मेरे. 3/10 - 1/3. So, 30 LCM. 9 - 10, that is minus. अगले को भी गेन होगा 4/30, I can assume. और ऐसा ही होता है. अगर एक का सेक्रीफाइस 5/30 है, तो डेफिनेटली एक का गेन अगर 1/30 आ गया, तो अगले का भी 4/30 गेन होगा, तभी तो दोनों का टोटल मैच होगा. ऐसा ही होता है ना, हम कर लेते होते हैं ना सेकंड अज्यूम. तो फिर भी कैलकुलेशन करके देख लेते हैं. दैट इज 2/10 - 1/3. वंस अगेन 30 LCM, 6 - 10 आ गया ना, -4/30. मैंने तो पहले ही बता दिया था कैलकुलेशन से पहले. सो हु आर गोइंग टू बी डेबिटेड इन द एंट्री? That is Rehman's capital account debited, Nawal's capital account debited to Kareem's capital for goodwill. ठीक है, आगे चलते हैं. और चलो ये तो मैंने ऐसे कैलकुलेट करके आपको बता दिया, लेकिन सबसे पहले what is our duty to see the balance sheet? Balance sheet में कुछ डिवाइड करने को तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, जनरल रिजर्व भी है. बैलेंस शीट की एसेट साइड में कुछ डिवाइड करने को तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है, एडवर्टाइजमेंट है. जब जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करना है, तो एंट्री क्या करनी है स्टूडेंट्स, और कौन सी रेशियो में करनी है? एंट्री सी पूछी है. हाँ ठीक है. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू माय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एंड दे आर करीम्स कैपिटल, रहमान्स कैपिटल, एंड देन नवल्स कैपिटल. हाँ यस, जनरल रिजर्व अमाउंट वॉज 60,000. Yes, 30,000, 18,000, and 12,000. Any doubt to anyone? IFR कितना use हुआ पढ़ लो, फटाफट investment की value ढूंढो. कहीं पे दे रखी है investment की value? कहाँ पे? Market value balance sheet में दे रखी है. 1 lakh की investment and he says market value is 90,000. So there is a downfall of 10,000 in my investment. Is it clear to everyone? So what to do? Karthik, बोलो आप entry. Combined entry चाहिए मेरे को IFR की. With the division, with the adjustment of investment. Good. दोबारा बोलो क्या होगा? Debit हो गया, IFR done. Two बोलो अब. तीनों partners लिख दिए, बस खत्म entry. गलत.
टू इन्वेस्टमेंट भी लिखना, बिकॉज देयर इज अ फॉल इन इन्वेस्टमेंट. जब इन्वेस्टमेंट में डाउनफॉल आता है तो आईएफआर पहले यूटिलाइज करना है. आपको पहले पार्टनर्स कैपिटल लिखना ही नहीं, आपने पहले इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करना. कुछ बचेगा तो पार्टनर्स को देना. माइंड दिस थिंग, इफ समथिंग इज बीइंग लेफ्ट ओवर आफ्टर द एडजस्टिंग ऑफ द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज ओनली टू बी डिवाइडेड बिटवीन माय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स. सो हाउ मच आईएफआर आई डू हैव इन इक्वेशन, दैट इज 30,000. सी द एंट्री देन, आईएफआर अकाउंट डेबिटेड 30,000. इन्वेस्टमेंट में डाउनफॉल कितना आया, टू इन्वेस्टमेंट 10,000. टू बोलो करीम्स कैपिटल, टू रहमान्स कैपिटल, टू नवल्स कैपिटल. डन. कितना बच गया, 20,000. 20,000 का 5/10 10,000. 20,000 का 3/10 6,000. Then 2/10 that is 4,000. क्या कोई एंट्री में मिस कर रही हूँ? इसके बाद कोई एंट्री आनी चाहिए? Yes, revaluation में loss. और एंट्री क्या बनेगी? बोलो, बोलो. Revaluation क्या? फिर गलत बोल रही हूँ. Revaluation में जब कभी भी loss है तो partners capital account debited to revaluation. Partners capital account debited to revaluation. Right? डन है कि कुछ और आना चाहिए? ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं. हाँ, एडवर्टिजमेंट सस्पेंस की करवाओ. एडवर्टिजमेंट सस्पेंस ये याद रखना, 5/30, 1/30 एंड 4/30 इज अगेन एडवर्टिजमेंट सस्पेंस. पार्टनर्स कैपिटल्स आर टू बी डेबिटेड, दैट इज करीम्स कैपिटल डेबिटेड, रहमान्स कैपिटल डेबिटेड, Nawal's capital debited to advertisement suspense. What is the amount of advertisement suspense? 5/10. Kitna? 2,500. 3/10, 1,500 and 1,000. Done? Chaliye ji, pehla padhna shuru karte hain. Revaluation ki ikatthi karenge entries. Building kam hui hai. Revaluation account debited. Machinery badi hai. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने क्रिएट करना है. प्रोविजन और बिल्डिंग इकट्ठा कर लूं, क्योंकि दोनों एंट्री में क्या होने हैं, क्रेडिट. मैंने बोला होगा ना, ढूंढ लिया करते हैं. अगर दो कोई मर्ज हो रही है एंट्रीज तो मर्ज करके ही करेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बिल्डिंग टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. क्या ऑलरेडी प्रोविजन है? जब ऑलरेडी प्रोविजन नहीं होता क्वेश्चन हद से ज्यादा आसान होता है. अगर ऑलरेडी अपीयर कर रहा हो फिर डिफरेंस से क्रिएट करते हैं, ठीक है. और प्रोविजन को यूज करते हैं बैड डेट्स को राइट ऑफ करने के लिए. बैड डेट्स भी नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत आसान है. सिंपली प्रोविजन बनाना है. बिल्डिंग कितने परसेंट से डिक्रीज करनी है? 5% से. कितना बनेगा? 17,500. 3,50,000 का 5%, ठीक है जी. 17,500. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने परसेंट क्रिएट करना है बाई डेटर्स पे? 5% and debtors are 50,000, 2,500. So, कुल मिला के 20,000 चला गया. Revaluation की debit side. आगे चलते हैं. Machinery की value 5% से बढ़ा देना. 12,000 से बढ़ा दूं? 2,40,000 का 5% 12 ही बनेगा. कर लो चेक, 12 ही बनेगा. क्या लिखें फिर? Machinery account debited. पहले देख लेते हैं, और तो नहीं कुछ debit होना. Creditors का भी कुछ होगा. क्रेडिट, पहले एक क्रेडिटर्स देखो. क्रेडिटर्स इज नॉट पेएबल. चलो रसिका आप बताओ. हेंस इट इज बीइंग रिटर्न बैक. कल भी डिस्कस किया था. क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 10,000 इज नॉट पेएबल, हेंस इट इज रिटर्न बैक. फिफ्थ एडजस्टमेंट पढ़ो. क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 10,000 इज नॉट टू बी पेड और इज नॉट पेएबल, हेंस इट इज बीइंग रिटर्न ऑफ या रिटर्न बैक. कल डिस्कस तो किया, क्या हो गया? चलो प्रॉब्लम बोलो आप दोबारा बोलो. बिल्कुल ठीक है. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, ठीक है. 10,000 के क्रेडिटर्स आप पे नहीं करने, मींस लायबिलिटी कम हो रही है. लायबिलिटी कम होने का मतलब लायबिलिटी को डेबिट करो. क्रेडिटर्स टू एक और मोटरसाइकिल का भी बोल रहे हो आप, वो भी देख लेते हैं. मोटरसाइकिल ओके. बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले रिकॉर्ड नहीं था, अनरिकॉर्डेड एसेट है.
तो यहां पे लिख लेते हैं मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिटेड। मोटरसाइकिल कितने का है? 20,000 का, मशीनरी 12 की और क्रेटस 10,000 के, 32 और 10 42। सारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हो गई। प्रॉफिट और लॉस आप कैलकुलेट करके बताओ क्योंकि उसने रिवैल्यूएशन का आंसर दे रखा है। टेक योर टाइम एंड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। आई एम वेटिंग, मैंने इतना देख लिया प्रॉफिट आना है, पर देखो मैच होता है कि नहीं। रफ वर्क में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, गुडविल की करते हैं बाद में, गुडविल थोड़ा आना है रिवैल्यूएशन में, गुडविल के बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा ना, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ रफ वर्क में, हरी आप। जब तक रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाओगे प्रॉफिट और लॉस नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। आपको इतनी प्रैक्टिस हुई नहीं कि प्लस माइनस करके कर लो, बेटर टू प्रिपेयर इट्स अकाउंट। कौन सी एंट्री में रिवैल्यूएशन आया? रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देन बाय मोटरसाइकिल 20,000, बाय मशीनरी 12 एंड दिस इज चेंज। हां जी, एक और डाला था रिवैल्यूएशन टू टू इन्वेस्टमेंट लिखना है कि टू पार्टनर्स कैपिटल लिखना है? इन्वेस्टमेंट ये वाला रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स कैपिटल लिखे कि टू इन्वेस्टमेंट लिखे? टू इन्वेस्टमेंट ही लिखे। अगर यहां पे बेटे टू पार्टनर्स कैपिटल लिख देंगे तो आप डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट हो जाएगा या डुप्लीकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन हो जाएगा। आप एक तो लॉस इन्वेस्टमेंट का अलग से पार्टनर्स को दे रहे हो और एक रिवैल्यूएशन का कंबाइंड प्रॉफिट और लॉस भी दे रहे, ठीक है। वैसे एंट्री यही पता क्या, मैं और एक आपको बात बता दू, मैं बताती हूं। अगर ये सिर्फ एंट्रीज का ही क्वेश्चन होता, ठीक है, और कोई रिवैल्यूएशन ना होती, लाइक मशीनरी बिल्डिंग वगैरह की रिवैल्यूएशन ना होती, तो उसी टाइम पे हम लोग ये लॉस पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देते इंस्टेंटली। बट हियर बाय एक्सेप्ट द एंट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो मेनी अदर एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशंस आर देयर। सो आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट ही लिखना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखना। तो मेरे को लगता है यहीं पे टू इन्वेस्टमेंट लिख लो, अदरवाइज लॉजिक फिर से क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट दो बार क्रेडिट छोड़ना कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट, तो मेरे को बताओ ये इन्वेस्टमेंट आना चाहिए रिवैल्यूएशन में? आपने आईएफआर अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट किया, अब आना चाहिए रिवैल्यूएशन में? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का लॉस था आपने किसकी हेल्प से एडजस्ट किया? आईएफआर की हेल्प से एडजस्ट किया। आंसर देखना ऐसे आता है, कहा है का आंसर 17,000 आंसर है। हाँ तो बताओ ना मेरे को कितना आ रहा है, 32 और 2 34, ये 20 है ना, दिस इज 20, ये 42 है। और रिवैल्यूएशन का कुछ रहता तो नहीं? हाँ एक्सपेंसेस रहते हैं, सेवेंथ पॉइंट पढ़ो, रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस। नवल वॉज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 5,000। ये मैंने कल डिटेल में केस डिस्कस किया, आपने सोच समझ के मेरे को बताना। हमने उसे बोला तेरे को 5,000 रेम्यूनरेशन देंगे और उसने एक्चुअल में खर्चे 3,000 किए। क्या? वाओ, मैंने कल बताया था वो खर्चे जितने मर्जी करे, उसका खर्चा करना उसका एक पर्सनल अफेयर है। हमने सिर्फ रेम्यूनरेशन की एंट्री करनी, हमने एंट्री करनी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू नवल्स कैपिटल, ठीक है। मैंने ना कोई डिफरेंस 2,000 का कुछ करना है, ना ही मैंने 3,000 का कुछ करना है, मैंने सिर्फ रेम्यूनरेशन ड्यू करनी है। तो रेम्यूनरेशन ड्यू कितनी होगी? 5,000 टू नवल्स कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख के आओगे रेम्यूनरेशन। वैसे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं पूछा उसने, बट यू शुड बी क्लियर दैट इज 5,000 करो जी, कितना? 25, बिल्कुल ठीक है, 17,000, यस डन। लॉजिक क्लियर हुआ? क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट का लॉस सीधा आईएफआर के अगेंस्ट एडजस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुकी है, दोबारा रिवैल्यूएशन में थोड़ा ना करेंगे। हाँ, ये एंट्री तब जरूर किया करते थे जब ओनली वन एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन वाज देयर इन द क्वेश्चन, तो हमारी ड्यूटी बनती थी कि इन्वेस्टमेंट को जो डाउनफॉल है, वैसे वहां पे भी लॉजिक क्लियर नहीं होता क्योंकि वहां पे मैं रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करवाती थी। बैठे बैठे एसेट की वैल्यू डाउन हो गई है तो पार्टनर्स को लॉस हो रहा था, तो हम पार्टनर्स कैपिटल डेबिट किया, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, डोंट गेट कंफ्यूज, सिंपल सा फंडा है। किसी लॉस को कवर करने के लिए अगर रिजर्व है तो डेफिनेटली
उस एसेट को क्रेडिट करेंगे और रिजर्व को डेबिट करेंगे. मींस वो एसेट रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि लॉस की कवरिंग रिजर्व के थ्रू हो रही है. हैड इट बीन अ क्वेश्चन वेयर बाय नो अदर रिवैल्यूएशन इज देयर, तो आपने इस लॉस को ट्रांसफर करना था पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट करके, लेकिन अब ऐसा नहीं करना, ठीक है? क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट करके और रिवैल्यूएशन क्रेडिट करके कभी भी हमारी कोई एंट्री आती नहीं. रिवैल्यूएशन में एंट्री या तो एसेट्स के नाम से आती है या लायबिलिटीज के नाम से आती है. यू आर गेटिंग मी? सो इन दैट वे वी आर स्किपिंग दैट एंड. गॉट इट? क्लियर है? तो 17,000 इज द गेन इज ओके. गुडविल की वैल्यूएशन करो, फॉर्मूला लगाओ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट है. हाउ मेनी इयर्स ऑफ परचेसेस हियर? 2 years परचेस. कितने सालों का एवरेज है? 3. चलिए जी लगाएं फॉर्मूला. गुडविल इज इक्वल टू 2 years परचेस एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years. 3 सालों के प्रॉफिट को ऐड करके बोलो, एक लॉस भी है फिर माइनस करो. ओके लेट मी सी. 50,000 इज लॉस, 5 लाख बना, 5 लाख में से 50,000 लॉस माइनस किया, 4.5 लाख. 4.5 लाख को 3 से डिवाइड किया 1.5 लाख, 1.5 लाख को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 लाख. फटाफट कैलकुलेशन, फट सही 3 लाख. दिस इज फर्म्स गुडविल. This is to be multiplied with the gaining ratio and sacrificing ratio. Sacrifice कौन कर रहा था? मेरा first partner 5/30. कितना बना? 30. 1.5 लाख. फिर 1/30. ठीक है, 1/30 तो कितना बना? 1/30. This is. और फिर कितना था? 4/30. 1/30 बना तो 30,000. 4/30 बना तो 1,20,000. कैपिटल अकाउंट्स उसने पूछे नहीं, हम बनाएंगे एंट्री जरूर करेंगे. बोलो गुडविल की, गुडविल की एंट्री बोलो. करीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड विद रुपीस 1,50,000 टू रहमान्स कैपिटल 1/30 था इसका 30,000 टू नवर्स कैपिटल विद रुपीस 1,20,000. एनी डाउट टू एनीवन? एंट्री इज कंप्लीटेड. कुछ है कोई ऐसा मैटर डिस्कस करने वाला? इज देयर एनी डाउट? हाँ जी बोलो, दोबारा बोलो. मैंने गलत बोल दिया. Sacrificing partner is to be credited and these two partners are to be debited. Good. Rehman debit, Naval debit. Rehman is to be debited with 30,000. Naval is to be debited with 1,20,000 to Kareem's capital with 1,50,000. I took it reverse. Otherwise, gaining is always to be debited and gaining partners were 2. And sacrificing was Kareem only. He is going to be credited in that. Done? Any other doubt? Kuch aur maine galat bol diya ho galti se. 20th देखना, 20th में कुछ है डिस्कस करने को? इट मींस कि जो नेट इफेक्ट वाला है ना, उसने 3 या 4 नंबर में ही बनाया क्वेश्चन और हमारा एमसीक्यू में बनता है. ही मे आस्क यू कैलकुलेट द नेट इफेक्ट. इसी तरह से नेट इफेक्ट और किसका होता है? रिजर्व्स का, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का. करवाया था ना, जनरल रिजर्व इज टू बी एडेड. प्रॉफिट का अगर क्रेडिट बैलेंस है इज टू बी एडेड. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है तो इज टू बी डिडक्टेड. पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है तो इज ऑल्सो टू बी डिडक्टेड. फिक्टिशियस एसेट्स एंड लॉसेस आर टू बी डिडक्टेड एंड ऑल रिजर्व्स आर टू बी एडेड. देन वी आर कैलकुलेटिंग इट्स नेट इफेक्ट. तो नेट इफेक्ट के 2 क्वेश्चन बनते हैं. 1 इज ऑफ रिवैल्यूएशन एंड अदर इज ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस. चलो 20th डिस्कस करते हैं. आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स. दे आर शेयरिंग इक्वली. देन दे डिसाइडेड कि हम अपनी रेशियो कितनी कर देंगे? 2:2:1 कर देंगे. जैसे मैंने बैलेंस शीट में देखा तो बैलेंस शीट में 90,000 का जनरल रिजर्व है स्टूडेंट्स. दैट जनरल रिजर्व आई एम सपोज टू डिवाइड बिटवीन माय पार्टनर्स एंड देयर अर्लियर रेशियो इज इक्वल. बिल्कुल ठीक है. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू आशीष कैपिटल, टू आकाश कैपिटल, टू अमित कैपिटल 30,000 ईच. बात खत्म. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी है. अब एंट्री क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वंस अगेन इक्वली. सो इट वॉज 6,000 ईच. पार्टनर विल गेट 2,000. चले आगे. स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू, चलो मनरीत, कितनी अमाउंट से? स्टॉक इज टू बी रिड्यूस टू 125. मेरे को रिवैल्यूएशन की एंट्री मनरीत आपने बतानी. कहता स्टॉक को 1,25,000 पे लेके आना. एंट्री बोलो, अमाउंट बोलो. गुड. व्हेन द वर्ड इज टू वी टेक द डिफरेंस. व्हेन द वर्ड इज बाय वी टेक दैट अमाउंट. ठीक है, तो ऑलरेडी 140 था हमारे पास, हमने 125 पे लेके आना है. 15,000 से कम कर देंगे. एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक. गुड. मशीनरी टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%. बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी विद 25,000. डन. यस. लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय
62,000 Abhishek bolo entry. Land and building is to be appreciated by 62,000 amount or entry. Amount. Very good. When by word is there, we will be increasing or decreasing with the given amount. We never take the difference in that case. By ka matlab simple English. 62,000 se bada do. Se bada do to entry mein amount wahi to aayegi. Whatever amount he is giving me in the question. Land and building account debited to revaluation. Yes, provision 5% create karo. Debtors are 80,000. 80,000 ka 5% 4,000. Revaluation account debited to provision for doubtful debt. Fifth entry, aapne batani pratham. Akash was to carry out reconstitution of the firm at a remuneration of 10,000. Kya entry karoge? आपको इतना समझ आ गया ना रिकॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपेंसेस के बदले में हमने उसे इंचार्ज बना दिया और बोला सारी रिकॉन्स्टिट्यूशन तूने देखनी है बदले में तेरे को 10,000 रेमुनरेशन दे रिवैल्यूएशन. हाँ बिल्कुल ठीक है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश कैपिटल. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रेमुनरेशन एंड सैलरी? व्हाई ही इज नॉट कॉलिंग इट सैलरी हियर? सैलरी इज ऑलवेज बीइंग गिवन फॉर सम परमानेंट जॉब. And hereby, so once in a while, the reconstitution is occurring in the firm and temporary purpose ke liye, usse koi reward de rahe hai unki services ka. So that's why we call it remuneration. So whenever you give the reward to your one of the worker, or yahan pe, you know, a partner is not my worker. Salary is always being paid to the employees and he is the owner of the business. Humne usse addition mein ek responsibility de di hai. So as he is upholding that responsibility, we are giving him reward. And that reward we call remuneration. Any doubt? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस निकालोगे और उसकी भी एंट्री करो, राइट? टुमारो अगेन वी विल बी बाइंडिंग अप द इलस्ट्रेशन एंड वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस.